Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Before moving towards our topic, first of all, subscribe my channel and also hit the bell icon for more videos. Thank you. Now, लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज टॉपिक विच इज़ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर वन हमने अपने प्रीवियस लेसन में ये डिस्कस किया था अबाउट द बायोलॉजिकल मैथड दैट वॉट इज बायोलॉजिकल मैथड एंड हाउ वी यूज़ द बायोलॉजिकल मैथड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि हम किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं अब वो तो हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे अब वो स्टेप्स हम आज एज एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि किस तरह हम वो स्टेप्स यूज़ करते हैं आज वो स्टेप्स आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या थी हाइपोथेसिस क्या थे हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था देन वो क्या कंक्लूड किया था हमने वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर वन फर्स्ट हमारा स्टेप था द रिकोगशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको याद होगा अगर तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी अगर नहीं देखी तो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली देख लीजिएगा तो हमारे पास कॉज क्या है फर्स्ट हम लोग प्रॉब्लम को रिकोगनाइज करें व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया कि हमने ये देखना है कि मलेरिया का कॉज क्या है दैट इज़ द प्रॉब्लम नंबर वन फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बायोलॉजिकल मैथड यूज़ करेंगे ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट जो स्टेप किया था वो क्या था ऑब्जर्वेशन ये डिफरेंट पीपल थे डिफरेंट पोजिशन थे टू थाउजेंड ई ईयर्स से गो उन्होंने ये कहा उन्होंने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस दी थी अबाउट द मलेरिया तो फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन ये थी कि जिन लोगों को मलेरिया होता है उन लोगों को बहुत टेम्परेचर होता है और साथ साथ बहुत ठंड लगती है ठीक है दीज पेशेंट्स एक्सपीरियंस द टेक्स ऑफ एंड फीवर्स के उन लोगों को जिन लोगों को मलेरिया होता है उनको बहुत ठंड लगती है साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है द सेकेंड वन इज़ द डिजीज़ वॉज मोर कॉमन अमंग द पीपल हु लिव्ड इन लो मार्शी एरियाज के उन लोगों को जो लोग मार्शी एरिया के पास रहते हैं उनको भी मलेरिया होता है उनमें भी मोस्ट कॉमन होता है ठीक है बट द थर्ड वन ऑब्जर्वेशन इज़ दैट द डिजीज़ डिडेंट रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिज के उन लोगों को डिजीज़ मलेरिया की नहीं होती जो कि मार्शी एरिया का पानी पीते हैं मतलब कि ये बात फिर थोड़ी बहुत साबित होगी कि पानी पीने की वजह से मार्शी एरिया का नहीं हो रहा बल्कि मार्शी एरिया के पास रहने की वजह से जो है वो मलेरिया हो रहा है ठीक है तो इन ऑब्जर्वेशन की बेस पर ही नेक्स्ट वन क्या ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो स्टेगनेंट वाटर है यानी कि जो खड़ा पानी है मार्शी एरिया का वो पॉइजन कर लेता है एयर को यानी कि जो खड़ा पानी होगा मार्शी एरिया के पास वो मार्शी एरिया के इर्द गिर्द जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी पॉइजन तो तब हम लोग कहते हैं कि मार्शी एरिया का पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता बल्कि मार्शी एरिया के पास रहने की वजह से मलेरिया होगा क्यों क्योंकि वहाँ पे जो स्टैगनेंट वाटर है वो पॉइजन कर देगा एयर को ठीक है तो इसी बेस पे साइंटिस्ट ने इस ऑब्जर्व जो फिजिशियंस थे बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने तो इस जो तो डिजीज़ है उसको क्या नेम दे दिया मलेरिया का तो मैला मीन बैड एरिया मीन एयर के ऐसी डिजीज़ जो कि बैड एयर की वजह से हो रही है ठीक है लेकिन ये सब ऑब्जर्वेशन जो थी उन्होंने इतना ज़्यादा हेल्पफुल वो नहीं थी उन्होंने इतना हेल्प नहीं किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम क्या थी व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया कि ये सब ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इसके लिए काफ़ी नहीं थी फिर आफ्टर टू हंड्रेड ईयर्स क्या हुआ था कि इसी डिजीज के कॉजे के बारे में स्टडी करते हुए ठीक है तो आफ्टर टू हंड्रेड ईयर्स क्या हुआ कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर किया गया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ये डिजीज़ कॉज कर रहे वट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ आर आई दे कैन ऑनली बी सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप की मदद मतलब से जो आप ऑर्गेनिजम्स देखते हो अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते जैसे वायरस बैक्टीरिया वगैरह उसको आप क्या बोलते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जब ये डिस्कवरीज होती गई ऑब्जर्वेशन बार बार होती गई साइंटिस्ट ऑब्जर्व वगैरह करते रहे तो फिर 1878 में क्या हुआ एक साइंटिस्ट था लेवरान उसने भी क्या किया मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया वो जो मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड था वो उसने ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप ठीक है तो जब उसने ऑब्जर्व किया ब्लड तो उसको उसने देखा उसने नोटिस किया कि जो जो मलेरियल पेशेंट्स थे उन सब के ब्लड के अंदर क्या था एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ठीक है और इस जो उसने डिस्कवरी की थी इसकी वजह से इसको लेवरान को नोबेल प्राइज भी मिला था ठीक है फिर जब इसको नोबेल प्राइज़ मिला इसकी ये ऑब्जर्वेशन वगैरह हुई उसके बाद और और साइंटिस्ट आते रहे जो कि इसी की स्टडी को आगे वो कॉन्टिन्यू करते रहे यानी कि बार बार इसी पे स्टडी वगैरह करते गए देखते गए एक्सपेरिमेंट्स करते गए ऑब्जर्वेशन करते गए ठीक है तो फाइव ईयर लेटर्स क्या हुआ लेवरान ने फिर दोबारा से सेम ऑर्गेनिज्म जो है वो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर ऑब्जर्व किया ठीक है तो जब ये दोबारा से ये बात प्रूव होगी दोबारा से उनको ये वाला माइक्रो ऑर्गनिज्म ब्लड के अंदर मिला मलेरियल पेशेंट्स के तब उन्होंने उस माइक्रो ऑर्गनिज्म को क्या नाम दिया प्लाज्मोडियम का यानी कि प्लाज्मोडियम क्या था एक ऐसा माइक्रो ऑर्गनिज्म था जो कि मलेरिया कॉज कर रहा था क्यों क्योंकि हमें पता चल गया क्योंकि जितने भी लोग मलेरियल पेशेंट्स थे उन सब के ब्लड के अंदर क्या था ये प्लाज्मोडियम था अब ये तो उन्होंने सारी के सारे क्या की ऑब्जर्वेशन की अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या देना है हाइपोथेसिस तो अब हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस क्या दी थी फिर हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन क्या हुई थी और फिर एक्सपेरिमेंट के जरिए कैसे प्रूफ की गई थी ये बात कि वाकई में प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का कॉज है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया और नॉट हाइपोथसिस क्या थी हमारे पास दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया कि आपने जितनी भी ऑब्जर्वेशन की उन सब की बेस पे आपने एक बात बोल दी आपको नहीं पता कि आपने ये जो बात बोली है आपने जो पॉसिबल एक स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फॉल्स है बस आपने एक ऑब्जर्वेशनस की बेस पे स्टेटमेंट दी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया कि मलेरिया के कॉज क्या है प्लाज्मोडियम ठीक है थीके? अब नेक्स्ट टाइम हम हाइपोसिस के बाद क्या करते हैं डिडक्शन के हाइपोसिस को थोड़ा सा एलेबरेज करते हैं तो डिडक्शन क्या थी जिसमें हमने इफ़ एंड देन का वर्ड यूज़ नहीं तो आप देखिए इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड कि अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का तो इसका मतलब है कि मलेरियल पेशेंट्स जो है उन सब के ब्लड के अंदर क्या होगा प्लाज्मोडियम होगा तो ये डिडक्शन थी किस बेस पे बनाई गई हाइपोथेसिस के बेस पे कि हाइपोथेसिस को ही किया और इफ एंड देन का वर्ड हमने इसमें यूज किया अब हमने अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या करना है लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा एक्सपेरिमेंट दो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया था कि बायोलॉजिस्ट ने क्या किया हंड्रेड मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया और हंड्रेड हेल्दी पर्सनस का ब्लड लिया तो उसने ऑब्जर्वेशंस की अंडर द माइक्रोस्कोप उसको पता चला कि जितने भी हेल्दी पर्सन्स थे उन सब का ब्लड जो था फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम के उन सब का ब्लड प्लाज्मोडियम से फ्री था किसी ब्लड किसी भी पर्सन के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था जबकि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड के अंदर क्या था प्लाज्मोडियम था तो इट्स मीन कि बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दिस हाइपोसिस विल बी प्रूविंग थ्रू दैट प्लस मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया कि प्लस मोडियम ही मलेरिया का कॉज है कि प्लस मोडियम की वजह से ही मलेरिया हो रहा है क्योंकि हाइपोसिस भी हमने दी ऑब्जर्वेशन भी हमने की एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बात प्रूफ होगी कि जितने भी लोग थे जिनको मलेरिया था उन सबके ब्लड के अंदर क्या होता है प्लस मोडियम होता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टॉपिक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग